अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको डबल क्रैक जैकेट स्टाइल में कमीज़ बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये स्टाइलिश कमीज़ बहुत पसंद आएगी। तो हमारी ये स्टाइलिश कमीज़ को समझने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स। डबल क्रैक कमीज़ बनाने के लिए हमने ये ब्लैक कलर में कॉटन जीन में कपड़ा लिया है। इसका अर्थ तकरीबन 1.5 गज है और इसकी लेंथ तकरीबन 2.5 गज है। तो अब हम इसको खोलेंगे और अपने साइज़ के हिसाब से कमीज़ की लेंथ कट करेंगे। व्यूअर्स, हमारी कमीज़ की लेंथ है 43, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 45 इंच पे यहाँ से कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने कमीज़ की लेंथ को कट कर लिया है। अब हमने कपड़े के अर्ज़ को इस तरह से टर्न करके रखा है। नीचे हमारा बैक पार्ट है, ऊपर हमारी फ्रंट साइड्स हैं। तो फ्रंट साइड के सेंटर से हम तकरीबन 5.5 इंच कपड़े को ओवरलैप करेंगे। नीचे की साइड भी हमारी 5.5 इंच है और ऊपर भी 5.5 इंच है। तो अब हम कमीज़ के घेरे का साइज़ लेंगे। हमारा घेरा 25 इंच है। तो अब हम इसी तरह से 25 इंच का घेरा लेने के बाद दोनों साइड से हम कपड़े को कट कर देंगे और नीचे बैक पार्ट और ऊपर की फ्रंट साइड को दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो अब हम यहाँ दोनों साइड से कपड़े को कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने फ्रंट और बैक साइड दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब फ्रंट साइड से जितने कपड़े को हमने ओवरलैप किया है हम इसका सेंटर सेट करेंगे। तो हमने यहाँ से 5.5 इंच कपड़े को ओवरलैप किया है, तो हम यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच 3 पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम एक साइड को इस तरह से पहली साइड के ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम यहां से कपड़े को इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद जितने हिस्से पे हमने यहां से कट लगाया है इतने हिस्से को हम दोनों साइडों को हम इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। इसी तरह से हम ऊपर की साइड में भी कपड़े को कट लगाएंगे और दोनों साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। तो हमने ऊपर की साइड में भी सेंटर हाफ को इस तरह से टर्न कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को भी इस तरह से टर्न करेंगे। सबसे पहले हम नीचे बैक पार्ट को टर्न करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे। और सेंटर हाफ को हमने इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न कर दिया है। अब हम यहाँ से तीरे का साइड लेंगे और आर्म होल और साइड की कटिंग करेंगे। हमारा तीरा है 15 इंच, तो हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। हमारी फिटिंग है 18 इंच, तो हम यहाँ पे 9 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम आर्म होल की शेप बनाएंगे।
तो हमारी कमर है 17 इंच, तो हम यहाँ 8.5 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम हिप को यहाँ से 10.5 तक लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से शेप बनाएंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाते हुए यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच के करीब कट करेंगे। तो हमारा आर्म होल है 9 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच पे कट लगाएंगे। और फ्रंट साइड को हम 1/2 इंच के करीब मजीद कट करेंगे। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम इस कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। तो हमारे स्लीव्स की लेंथ है 23, तो हम यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाते हुए 24.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम यहां से कट करेंगे। और यहां से अब हम स्लीव की शेप बनाएंगे और यहां पे जॉइंट लगाएंगे। और यहाँ से हमारी सिलाई की फिटिंग है 5 इंच, तो हम यहाँ 6 इंच तक लेंगे। और यहाँ से भी इस तरह से शेप बनाएंगे। व्यूअर्स, हमने जितनी चौड़ाई में फ्रंट साइड को ओवरलैप किया है, इतनी ही चौड़ाई में हमने ये कपड़े का पीस लिया है। तो अब हम दोनों साइड्स में यहाँ ये कपड़े को अटैच करेंगे और यहाँ गले के नज़दीक तकरीबन 14 इंच हिस्से पे हम इस कपड़े में फ्यूजिंग को अटैच करेंगे इस तरह। यूं हमने दोनों साइड में कपड़े पे फ्यूजिंग को चिपका लिया है। अब हम एक साइड में इस तरह से कपड़े को अटैच करेंगे और इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी कपड़े को इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
व्यूअर्स, अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। व्यूज, हमने दोनों साइड्स में एक पैर के मार्जिन से यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इन दोनों साइड्स को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम गले की लंबाई 3.5 इंच तक लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और गले को हम हल्का वी शेप में कट करेंगे। व्यूज, हमने फ्रंट गले की लंबाई और चौड़ाई को 1/2 इंच तक मज़ीद कट किया है। आप भी अपने गले के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे, तो बैक गले को हम 2.5 इंच तक कट करेंगे। और यहाँ से हम इसको 1/2 इंच तक स्ट्रेट कट करेंगे। हमने बैक गले को कट कर लिया है। अब हम तीरे को अटैच करेंगे।